दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो महिला फुटपाथ पर बैठकर चूड़ियां बेचने का काम करती हो, उस महिला का पति गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर के कपड़े बेचता हो, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के अलावा संघर्ष के अलावा कुछ देखा ही नहीं हो, और जब उनका बेटा बड़ा अफसर बन जाता है, तो भला उस पति पत्नी के लिए इस दुनिया में इससे बड़ी क्या खुशी होगी। अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये राहुल और उसकी माँ की है। राहुल जब छोटा था तब फौजी वर्दी में किसी लोगों को आते जाते देखता था, बीएसएफ और आर्मी के जवानों को देखता था, तब उसके मन में था कि मैं भी एक दिन ऐसी वर्दी जरूर पहनूंगा। और राहुल और उसकी बहन को उनके माता पिता ने मजदूरी करके अच्छी से अच्छी स्कूलों में पढ़ाया। बस सपना एक था कि हम लोग जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ पर बैठकर के चूड़ियां बेचते हैं, घर घर जाकर के ऑटो चला करके बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, हमारे बच्चे उनको ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़े। उनकी जिद थी कि हमारे बेटों को, हमारी बेटी को हम लोग जरूर सक्सेस करेंगे, और उनका सपना पूरा हो गया। दरअसल ये जालाराम गवारिया और उनका परिवार है। ये बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 15-17 किलोमीटर दूर आदर्श डूंडा गांव के हैं। जालाराम गांव-गांव जाकर के कपड़े बेचते हैं और उनकी पत्नी बाड़मेर जिला अस्पताल के सामने फुटपाथ पर बैठ करके चूड़ियां बेचती है। जालाराम के बेटे राहुल ने जब जन्म लिया था, एक महीने बाद जालाराम का एक एक्सीडेंट में दोनों पैर टूट गए थे। जालाराम की पत्नी ने कहा कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, पति का इलाज भी करवाती रही और अपने बच्चों को भी पालती पोसती रही, और फिर हमारा सपना था कि हम हमारे बेटे को सक्सेस करवाएं। और आज उनके बेटे राहुल का सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में चयन हुआ है। परिवार में त्यौहार जैसी खुशियां हैं। परिवार के लोग संघर्ष की कहानी को लेकर क्या कहते हैं, राहुल की माँ किस तरीके से अपनी कहानी बताती हैं, उनके पिता समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और राहुल ने अपने सपने को लेकर क्या कहा है, वो आगे आप इस वीडियो में सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की संघर्ष भरी इस कहानियाँ आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि हर परिवार तक, हर माता पिता तक, हर बच्चे तक ये कहानी पहुँचे और कई लोग इनसे सीख लेकर के आगे जरूर बढ़े। शुक्रिया। मेरा नाम कमला देवी है, नरसरो इंस्पेक्टर थानेदार बनी हो, इसलिए के खुशी आई है ये वर्ष माला फेरा ये में। मैं की दिया, मैं तो काम की करो, मैं पुलिया गेट दुकान लगाती है, सूड़ियां बेचती है, इसलिए हमें जरूर की क्या मैं बेचन दे को नहीं, हम सूड़ियां तो खानदानी मारी परिवार है, सूड़ियां तो वैसे ला बस अपना घर दे तो घर पे बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे वैसे में, कि सपनों की है तो पहला जो जब नहीं लागो तो इंस्पेक्टर नहीं बने तो यूं पहला सब सब देवी के आगे कृपा करती, मेरे बच्चों ऐसी नौकरी देनी है, ऐसी कृपा करनी है, सब देवी के जाते तो ये प्रार्थना करती थी, देवी माँ तई रक्षा करनी, तो बहुत इसकी कठिन आई थी, मेडिकल में हुआ था अजमेर में, तो इसने सभी स्तन खाना नहीं खाया था, बोझ बहुत आया था, इसलिए देवी से बहुत प्रार्थना करती थी, सब जाती इस देवी की आज्ञा ये मांगती थी, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी देना, देवी माँ मेरे बेटे को अच्छी नौकरी देना, ये मांगती थी, और देवी माँ मेरा सपना सारा ही पूरा कर दी। आज की तो बढ़िया लगे, आज घने बढ़िया लगे, अच्छा लगे, बहुत मार समाज में पहली बार तो मोटो नाम वो समाज वाला आवे बधाई देना, हां समाज वाला बहुत आवे, कल ही घने आया ना, आज घने आवे, नमी घने आवे, फोन घने ही आवे, ठीक है, बढ़िया आदमी है, आज बधाई दो अपने समाज में पहली बार और नाम वो आगे समाज वाला बड़ा गांव की कहने तो बच्चों का लगे थे ही पढ़ाओ, जो मोर बच्चों शिक्षित हो जो थोर बच्चे शिक्षित कराओ, पढ़ाओ दो रोटी कम खाओ, बच्चों थोड़ी पढ़ाई मेहनत कराओ, शिक्षा दे रहा हो, यो कोला आती थी, पर थोड़ा थोड़ा बचाता था, थोड़ा थोड़ा रखता था, फीस भरता था, भाई बहन दो ही बैठ जाता था, देखता तो स्कूल जाता तो हर मिलिट्री वाली गाड़ी देखता तो मैं ऐसा बनूंगा मम्मी, मैं ऐसा बनूंगा, तू बन जाना, मैं क्यों याद करते, तो अभी तक तो आंसू में आंसू नहीं जलते थे, लम्बो आता एक महीना दस दिन तक दो पग दोनों भाग गए थे, पालनपुर में इलाज कराया था,
दुकाया थे। बस मिलिट्री की गाड़ी देखती, फौजी गाड़ी देखता, यही पढ़ने जाता था। तो मैं ऐसा बनूंगा अधिकारी, मैं ऐसा बनूंगा, देवी माँ से कृपा मांगती थी, मेरा बच्चा पढ़े तो देवी माँ तू इसकी रक्षा करना, ये कहती। मेरा नाम जालाराम गवारिया है, आदर्श डुंडा गांव का रहने वाला हूँ और बेटे का चयन सीआरपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई में चयन हुआ है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। क्या कामकाज क्या है आपका? कामकाज तो वैसे ही हमारे खानदान में चूड़ियाँ बेचना, घर घर जाके कपड़े बेचना। कितना प्राउड फील होता है जब चूड़ी पाटले बेचने वाले का बेटा जब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, तो कितना बड़ा गर्व फील होता है? उसकी कोई सीमा भी नहीं है। जैसे कि अपना हिंदुओं का त्यौहार आता है दीपावली, उसमें खुशी होती है, उनसे भी ज़्यादा खुशी हुई। क्या कहना चाहेंगे आम जन से, लोगों से क्या? आम जन से, मेरे समाज से आगे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, किसी की भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखें। कितने बेटे हैं आपके? भगवान का एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी को भी इस तरह आगे बढ़ाओगे, पढ़ाई करवा के अधिकारी बनाओगे? हाँ, बेटी को भी मैंने ग्रेजुएशन कराया है और बीएसटी दे रखी थी, रीट वाली पेपर में दो कुछ ही नंबरों से पीछे रहेगी और भी मेहनत और प्रयास कर रही है जी। जब 2017 में ट्वेल्थ में था तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे बूट बेल्ट बैरेट वाली जॉब में ही जाना है, मुझे अपना प्रोफेशन इसी को बनाना है। तो उस समय से ही मैं लग गया था, धीरे धीरे चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू किया। कॉलेज में आई, कॉलेज में चीज़ों को और सीखा तो फिर एनसीसी का पता चला। एनसीसी में रही तीन साल एनसीसी का टेन्योर बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे कैंप अचीवमेंट्स मेरे नाम रहे। एंड देन आफ्टर इसके बाद डिसाइड किया अब या तो आर्मर्ड फोर्सेज या फिर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज को ही अपना कैरियर के ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। उसके लिए भी ट्राई किया, कुछ इनिशियल स्टेज पे असफलताएँ मिली और कल जिसका परिणाम आया वो सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर मुझे सीआरपीएफ अलॉट हुई। इस तरह मेरा सफ़र रहा है। तो एग्ज़ाम क्या हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कहाँ सेंटर आया था, कितने बच्चे थे जो बैठे थे? इनिशियल स्टेज पे जब 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया एंड देन आफ्टर उसके बाद जब प्री क्लियर हुआ तो प्री के अंदर 1 लाख के समथिंग लोगों ने प्री क्लियर किया, 68,000 के समथिंग लोगों ने फिजिकल के लिए कॉल आया एंड देन आफ्टर जब मेन्स आया हमारा तब 15,000 लोग ही बचे। फिर 12,000 लोगों का और क्लियर करके 12,000 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया गया और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो उस 4300 की वैकेंसी में मैंने भी अपना नाम रिकॉर्ड करवा लिया। क्या है पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जहाँ एजुकेशन मैं सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं कहूँगा, बॉयज़ के लिए भी, बॉयज़ को भी एक शिक्षा का मिल पाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आदर्श डुंडा गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता और पिता जो मेरे पैतृक जो धंधा है वही करते हैं, चूड़ियाँ बेचना, कपड़े बेचना और मजदूरी करना।